बाबा जो कि सर्व आत्माओं का पिता है, वो जितना मैं लिविंग एवर प्रेजेंट बीइंग अपना अटेंशन बाबा के ऊपर फोकस्ड रखती हूँ, उतना मुझे अपना अशरीरीपन नेचुरल लगता है। जितना लिविंग एवर प्रेजेंट बीइंग टाइमलेस बीइंग अपना के ऊपर अटेंशन फोकस्ड है, ना पास्ट और फ्यूचर कल्पना लगता है, कॉन्सेप्ट लगता है। क्योंकि बाबा की दृष्टि क्लियरली मैं कौन हूं और मैं कौन नहीं हूं दोनों बहुत क्लियरली पता चलता है। रस्सी सांप नहीं है,
अच्छा है पता होना। एज अ पहला स्टेप, पर इनफ नहीं है। क्योंकि कुछ देर बाद कुछ और भी देख सकती है। पर रस्सी होती क्या है ये पता होना भी उतना ही जरूरी है, ज्यादा जरूरी है। उसी के लिए बाबा आते हैं, कौन हो और कौन नहीं हो। ये रास्ता बहुत इजी है उस आत्मा के लिए जिसने बाबा के सत्य को पूरा 100% एक्सेप्ट कर लिया है, उसके प्यार को, उसकी सत्यता को, उसके ज्ञान को। एज अ लिविंग बीइंग जिसके अंदर हाईएस्ट कैपेसिटी है अनकंडीशनल लव की, अनकंडीशनल पीस की, जो सत्य के अलावा और किसी चीज में इंटरेस्ट नहीं रखता, उसकी पर्सनालिटी को नहीं जाना तो बहुत मुश्किल है। वो जैसा है वैसे उसको जाना, तो बहुत इजी है। उसको जाना तो अपने आप को जाना।
शांति।